इस फासीवादी सरकार को ये रोज रोज बता रहे हैं कि हम आपकी लाठियों से, आपकी बंदूकों से, आपकी गालियों से, आपकी गोलियों से नहीं डर रहे हैं। आप सबको मेरा अस्सलाम। आज जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, जब हमारे संवैधानिक अधिकारों को क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हम गली मोहल्ले नुक्कड़ों पर, इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं प्रियम्बल की। उस प्रियम्बल का पहला वर्ड है वी, यानी कि हम। तो हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम उस प्रियम्बल की बात कर रहे हैं तो हम हर उस तबके की बात करें जिस पर यह फातिवादी सरकार जुल्म करती है, चाहे वो 8 साल का मोहम्मद सगीर हो या 17 साल का स्टैम्प सैफोर्ड हो, चाहे वो 18 साल का अमीर हंजला हो या फिर 20 साल का बासित हो जिसको राजस्थान में लिंच किया जाता है। हम बात करें आजमगढ़ की उन औरतों की जिन पे सरकार जुल्म करती है सुबह के 4 बजे। हम बात करें जामिया और एएमयू पे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की। हम ये भी बात करें कि किस तरीके ये फासीवादी सरकार हमारे और आपके बीच में से निकलने वाली आवाज़ों को रोकती है, किस तरीके ये शर्जील उस्मानी, आफरीन फातिमा और वर्दा बेग पे मीडिया ट्रायल चलाती है, उन पर FIR चलाती है। हमें बात करनी होगी शर्जील इमाम की भी, जो इस वक्त जेल में हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच से उठे थे और उन्होंने सच कहा था, हमारा असली सच। आज हम सड़कों पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि पिछले 70 साल से हम पे जुल्म हो रहा है, पर हम चुप बैठे थे, हम नहीं बोल रहे थे। शर्जील इमाम जब हमारे बीच से निकल कर आए और ऐसे ही मंच पे खड़े होके उन्होंने एक स्पीच दिया, जहाँ पे उन्होंने बात की हमारे राइट्स की, जहाँ पे उन्होंने हर एक इंसान को याद दिलाया कि उसे हमें हमारा हक देना होगा, उसी सच के लिए, उसी कड़वे सच की वजह से आज वो जेल पे हैं। उन पे सेडिशन लगा है, उन पे UAPA लगा है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं और वो सही सवाल पूछते हैं। तो आपको और मेरा ये फर्ज बनता है कि हम शर्जील इमाम की भी बात करें, हम हर उस आवाज की बात करें जो हमारे लिए खड़ी हुई थी। हमारा फर्ज सिर्फ इतना नहीं है कि हम रुक जाएंगे अगर ये CA, NRC और NPR की बात होगी, हमें बात करनी है सेडिशन की, हमें बात करनी है UAPA की, हमें उसकी बात करनी है, हमें उसकी सच की बात करनी है। हमें सरकार से सवाल पूछना है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर रखे उनके मंत्री, उनके खाकी के लोग ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात शर्जील इमाम ने की थी उस स्टेट से। उन्होंने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, उन्होंने इस ऑप्रेसिव रेजिम की बात की थी, उन्होंने अपना रिलीजन अपनी स्लीव पे पहना था। दिस ये कंट्री जो कि एक सेकुलर कंट्री है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन उसी बात के लिए स्टैंड करता है। तो जब हम सड़कों पे निकले ये बोलने के लिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं, हम प्रियम्बल के लिए खड़े हैं, तो हमें इस आवाज़ के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। हम यहाँ पे सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये लंबी लड़ाई है, पर हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। हमें उन 30 से ज़्यादा शहीदों के लिए खड़े होना होगा जिसको इस CA प्रोटेस्ट में मारा गया है। हमें उन माइनर्स के लिए खड़े होना है जिनको मदरसों में मैल ट्रीट किया जाता है। हमें उन इमाम के लिए खड़े होना है जिनको ये मारते हैं। हमें हर एक उस इंसान के लिए खड़े होना है। तो आप सबको मेरा शुक्रिया। इंतिफादा इनकलाब।